खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलनी चाहिए जो बीपीएल परिवार से हो और सरकारी नौकरी या किसी तरीके के व्यवसाय नहीं होना चाहिए। यही बीरा गांव के दलित समुदाय की महिला सविता देवी और उनके जैसे समुदाय में लोग बीपीएल कार्डधारी होते हुए भी अन्य और अपने हक पाने से वंचित थी। आपको समस्या क्या है? एक राशन उसन मिलते हैं तो खजरी खेती है, 10 रोज के हो रहते हैं तो खेती है। आपको बीपीएल सूची में नाम है? हाँ। तो राशन क्यों नहीं मिला? ऊपर ना हवा तो ना देता। कब से राशन नहीं मिला? 6-7 महीने हो गए। ऐसे जा लावे घी गेहूँ के मांगा हो कि दे दा जरी तनी गो बाल बच्चा है जे कूपन वका ना 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 बिन कूपन ले लावा ता देबो ता कूपन है ना ता कहां से ले देगी उनका ऐसी घूर के चला वही पापड़ी जात हूँ बेचे तो खाइयो आ ना बेचे जात हूँ ऐसी बाल बच्चा के लेके बैठा रहे। मैं समुदाय के महिलाओं को एकत्रित किया और बदलाव लाने के लिए तैयारी की। मैं समुदाय के साथ ब्लॉक में गई और बीडीओ साहब के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन लगवाई। अब समस्या यही हली दीदी कि साल भर से ना राशन मिला तो कूपन ना मिला तो राशन ना मिला तो तू अला हिया बीरा ने तो तू अला तो हल्ला कर ला तो तोरा बुझू गलियो तो कूपन लेके गया थी राशन तेल वाला ला के गलियो तो तू हमारा जो फोटो कर ला तो तू देला हमारा कूपन साल भर के हमारा तो काम लगली तब बड़ी अच्छा लगली दीदी। अब तू बीरा ने अला तर हमारा कूपन बनैला आ ना आए तब तो हमारा ऐसी सब दिन के रह देते हैं तो बाल बच्चा तनिक ऐसी रह देते आवा है सुन पापड़ी बेच के तब जखनी पेट डूबे आवा जखनी है तो जखनी ना खाना बनाए ला भाई। मेरे प्रयास और समुदाय के साथ ये समस्या का निदान हुआ। मेरे काम से बीपीएल समुदाय के लोग काफी खुश हैं।